हाइवा चोरी और दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे 7 अभियुक्तों को गया पुलिस ने इस बार दबोच लिया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। जिले के SSP हरप्रीत कौर ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जिले में अपराध के ग्राफ को कम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस दिशा में लगातार सफलता भी मिल रही है। ये देखिए, 2 केसेस का उद्भेदन आज हुआ है। एक तो ये बाराचट्टी थाना अंतर्गत 10/3/22 को एक ट्रक चोरी करके ले गए थे, गिट्टी से लदा हुआ ट्रक था, चोरी करके ले गए थे अपराधी। तो इसमें जो हमारी टेक्निकल सेल की टीम है SDPO शेर घाटी के नेतृत्व में, इन्होंने इस केस का अनुसंधान किया, जिसमें SHO बाराचट्टी थे और सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार थे और तकनीकी शाखा के हमारे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी थे। तो इसमें तकनीकी विश्लेषण के आधार पे 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया, पुरुषोत्तम कुमार, गुलशन कुमार और अजीव रंजन को। तो इन्होंने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया कि यही ट्रक जो थे चोरी करके लातेहार थाना में किसी को बेच दिए हैं। तो इनकी निशानदेही पर टीम ने वहाँ रेड किया, बालूमाथ थाना अंतर्गत वहाँ रेड करके जिला लातेहार में ट्रक को बरामद किया गया और जो चालक था शमशाद अंसारी उसको भी अरेस्ट किया गया है। तो इन्होंने आगे बताया था कि इसको 15,000 रुपये में जो है गिट्टी को इन्होंने आगे बेच दिया है। तो इस केस में 3 और लोग हैं, इसमें शामिल हैं 4। तो इसमें बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी हो रही है। 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, अन्य जो हैं अभी फरार हैं। तो इसमें 6 मोबाइल इन लोगों से जब्त हुए हैं और जो ट्रक थी चोरी की हुई वो बरामद हुई है। इसके अलावा 8 और 9 की रात्रि को कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। तो उसमें अज्ञात के विरुद्ध ये कांड दर्ज हुआ था। लड़की जो थी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। तो लड़की उस टाइम जानती नहीं थी, नाम नहीं जानती थी अभियुक्तों के। तो उसमें भी SDPO शेर घाटी के नेतृत्व में हमारी एक टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना अध्यक्ष शेर घाटी थे, थाना अध्यक्ष आमस थे, सब इंस्पेक्टर पवन कुमार थे, सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार और सब इंस्पेक्टर अयोध्या प्रसाद। तो इन लोगों ने उस केस में जब अनुसंधान किया तो 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। उन 6 का फोटोग्राफ एक महिला दंडाधिकारी की उपस्थिति में पीड़िता को दिखाया गया। तो उसमें 3 का पहचान पीड़िता की। तो इसके पूछताछ के क्रम में तीनों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर लिया है उस कांड में, कि लड़की सोई हुई थी और सोए हुए अवस्था में ही ले जाके बाहर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। तीनों अभियुक्त अरेस्ट हो गए हैं और जो इसमें हमारा जो है वैज्ञानिक अनुसंधान भी हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए जो कपड़े हैं पीड़िता के और अभियुक्तों के दोनों के कपड़े भी जब्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। गया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।